बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमीद एशियन किचन। मैं हूँ आपका शेफ अमीर बख्श। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो है मुर्गी कैदा की। उसके साथ मैं कुछ चिप्स भी बनाऊँगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और जितनी भी मैंने रेसिपियाँ बनाई हैं, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आएगी, बड़ी दिलकश डिलिश बनती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और देखें, इसके लिए जो जो मैंने वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ इसमें अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अदद नींबू, इसका रस इसे निचोड़ के, ताकि क्वालिटी वाइज आपको काफ़ी बेहतर लगे, इसका टेस्ट, इसका जायका जो बेहतर हो। और ये मसाला लगा के मैं तकरीबन मैक्सिमम एक घंटे के लिए इसको रख दूंगा, तो ताकि मसाला इसमें पूरी तरीके से जज्ब हो जाए। उसके बाद फ्राई करके आपके सामने रखूंगा। बाकी जो स्पाइसी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। तो ये मैं इसमें मिक्स करके रख दूंगा, तो एक घंटे के लिए मैक्सिमम ये, ताकि मसाला कम्प्लीटली इसमें लग जाए। तो रेसिपी मैं आपके सामने फिर शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को आई होप कि काफ़ी पसंद आएगी, बड़ी उम्दा बनती है। लेकिन एक चीज़ का फ्रेंड ज़रूर ख्याल रखें कि मुर्गी पहले बॉयल कर लें, ठीक है ना। तो बाकी उसके बाद फिर उसको आप तेल में डाल के अपने मर्जी के मुताबिक, और नमक अपने हसब जायका, अपने जायके के हिसाब से आप रखें। तो फ्रेंड इसमें देखें, मैंने यूज़ किया है ब्रेड भी यूज़ करते, अगर ब्रेड को आप पीस के वो भी बना सकते हैं। वैसे इसका मार्केट से क्रम्स आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो अक्सर केंटकी वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसमें मैं ये डाले, आपको बताया कि मतलब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड भी उसमें करके यूज़ कर सकते हो, ग्राइंड करके, इसकी जो बेहतर नज़र आती है। तो कोशिश करें कि आप ये वैसे भी आप बना सकते हैं। एक आध इसमें मैंने अंडा डाला, ताकि जहाँ जहाँ से जो मुर्गी जो हमारी वो पूरी तरीके से पता चले कि कोई चीज़ इसमें लगी है, ठीक है ना। तो इसमें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो देखें ये क्वालिटी इसकी नज़र आ रही है, ऐसे लगते हैं कि जैसे बाज़ार से या किसी भी बर्गर शॉप से या कहता कि दूसरी जगह से, ऐसे आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप जब पकेगी तो उसकी क्वालिटी आप देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यू। तो वैसे ऑयल हमारा काफ़ी तक हद तक जो है वो बॉयल हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ गेंदा की बूटी, जो इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये एफर्ट करें अपने बच्चों के लिए, और कोशिश आप लोग की यही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो घर के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आप उनको बना के खिला सकते हैं, बजाय के बाजारी चीज़ों के। और आप सर्टिफाई भी होंगे कि एक अच्छी चीज़ उमदा क्वालिटी वाइज अपने बच्चों को साफ़ सुथरी आपने खिलाई। तो बाकी चीज़ों में जैसे मैं मतलब इसके लिए एक मैंने चटनी बनाई है, तो वो चटनी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हमारी मुर्गी कैदा की कितनी बेहतरीन उमदा और लुक इसका कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है।
क्वालिटी में बस उसको निकाल के फिर आपके साथ में शेयर करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट मुझे करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। तो बाकी तो आप लोग बहन भाई ये बता सकते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस ये जो मुर्गी का था कि मैंने बनाई थी, अभी इसकी आखिरी स्टेप इसका ये कि ये पुदीना इसमें मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि चटनी बनती है पुदीने की। एक कदर हरी मिर्ची ये इसमें मैं डालूँगा। आप स्पाइसी अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये लहसुन, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद इसको कूटने के बाद इसमें मैं डाल दूँगा चटनी। तो फ्रेंड इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा ज़ीरा, हसबे ज़ायका आप रख सकते हो। मैं जो उसमें डाला है नमक, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी रख सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगा इमली, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कूट के फिर आपके सामने शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी रेसिपी जो मैंने अपने तमाम बहनों के साथ, भाइयों के साथ मैंने शेयर की। इसमें चिप्स भी मैंने बनाए, कहता कि मुर्गी भी बनाई है, चटनी आपके सामने ये मैंने बनाई है। तो बस ये छोटा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत ही मतलब खुश होंगे, एक साफ सुथरी चीज़ उनको मिलेगी और आप भी सेटिस्फाई होंगे कि भाई कोई बाजारी चीज़ नहीं है, अपने हाथों से बनाई है। तो बड़ी बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।